दोस्तों बात करते हैं आज पीपीएम की। तो आज पीपीएम करने जा रहा था मैं, तो देखते हैं कि पीपीएम करने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी और कैसे कैसे पीपीएम करते हैं। ये वेंटिलेशन पैनल है जो स्मोक एग्जस्ट फैन, नॉर्मल एग्जस्ट फैन और फ्रेश एयर फैन के लिए जो लगाया जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसकी सप्लाई काट देते हैं, MCCB को भी ऑफ कर देते हैं और मैन एल टी पैनल से भी इसकी सप्लाई काट देते हैं। दोस्तों हमें सबसे पहले PPM करने से पहले PPE किट वगैरह पहन लेनी चाहिए, जैसे ग्लव्स हैं, हेलमेट है और वो भी होता है, चश्मा भी होता है, पर उसकी किट में तो होता है चश्मा भी, लेकिन हमें देखने के साथ साथ नहीं जो भी PPE किट है उसको प्रॉपर चेक करके और देखते हैं एक बार। पहले हम टेस्टर से देख लेते हैं, बाकी ग्लव्स ज़रूर पहन लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें एयर करंट रह जाता है जो कि बहुत तगड़ा झटका मार देता है। तो इसको एयर करंट को डिस्चार्ज करने के लिए एक डिस्चार्ज रॉड होती है, जो डिस्चार्ज रॉड हम पैनल से कनेक्ट करेंगे और उसको देखो ये डिस्चार्ज रॉड रॉड है और उधर उसको अर्थिंग में जोड़ रखा है नीचे इसकी केबल को, ताकि कोई एयर करंट है तो वो अर्थिंग के जरिए यहाँ से हमारी मतलब सावधानी बनी रहे और सेफ्टी प्रॉपर हो जाए। देखिए दोस्तों इसमें देखो धूल कितनी है, ये मंथली PPM होता है, एक मंथ में एक बार इसका मंथली PPM होता है। तो देखो इसमें मतलब उड़ उड़ के धूल के कण कितने इकट्ठे हो गए हैं पूरे पैनल पे। तो इसको जरूर इसी के लिए PPM पर्सनल होता है, क्योंकि ये अगर धूल के कण उड़ते हैं, अगर कैसे भी यहाँ पे नमी आ जाती है, थोड़ा सा भी कैसे भी नमी हो जाती है, तो ये मॉइस्चर बन जाते हैं और मॉइस्चर बनने से हमारी केबल में फाल्ट आ जाता है, मतलब फेज कम आने लगता है, नट बोल्ट मतलब खुलने में मतलब फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको मंथली PPM इनका होता रहता है और इनको क्लीन करते रहते हैं हर मंथ, इनके ये जो धूल के कण उड़ उड़ के आते रहते हैं। देखो दोस्तों ये कितना गंदा हो गया है, 1 महीने के अंदर हर महीने इसी तरह इनका PPM होता है हर पैनल का। एक PPM शेड्यूल बनाया जाता है जिसके द्वारा हम डेट फिक्स कर लेते हैं कि उस डेट को उसका PPM है, उस डेट का उसका PPM है, मतलब हर महीने में ऐसा करते हैं कि हर महीने में हर किसी का नंबर आ जाता है। तो देखिए टेस्टर लगा लिया, टेस्टर से भी सप्लाई नहीं है और हाइट पे डिस्चार्ज काम रॉड थोड़ा ही से भी करना हमने है। डिस्चार्ज कर दिया, MCC भी ऑफ कर दी और मेन NT पैनल से। दोस्तों एक खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आप PPM कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक टैग आता है, टैग आउट डू नॉट ऑपरेट का, उसको अपने जहाँ से आप बंद कर रहे हैं वहाँ ज़रूर लगा दीजिए, ताकि दूसरा बंदा आके उसको ऑन ना कर दे, क्योंकि हम एक बार डिस्चार्ज करने के बाद उसको हाथ भी लगाते हैं और मतलब रिंग स्पाइनर और जो हमारे रिंग स्पाइनर जो भी प्लायर है जिससे हम नट बोल्ट टाइट करते हैं, तो हम विदाउट सेफ्टी के ही होता है, क्योंकि रिंग स्पाइनर में करंट आ जाता है, तो क्या होता है कि कोई वहाँ से ऑन ना कर दे जब हम इसको कर रहे हैं।